तो यार कैसे हो तुम लोग, तो मैं आ चुके कौन जबरदस्त वीडियो के साथ में। और आज मैं उस काफी तगड़ी तगड़ी न्यूज है, तो एंड तक बने रहना, कभी मजा आ जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ, एंड जो पहली न्यूज आ रही है वो है एल्विश यादव वर्सेस निकिता यादव। अब तुम लोग अगर निकिता यादव को नहीं जानते तो बेसिकली वो इंस्टाग्राम मॉडल है, रील्स वगैरह बनाती है, एंड उन्होंने एक ऐसी रील बनाई कि उसके ऊपर यहाँ पे बवाल मच चुका है, एंड इसके ऊपर यहाँ पे एल्विश यादव एंड उनकी मदर रिएक्ट करते हैं। तो देखो क्या ही था वो सिचुएशन। अब जाके लोगों को मास्क पहनना सिखाओ ना, एक नहीं दो। अम्मा अरे तेरा सिप पर कहाँ है? अरे सिप पर छोड़ो, ये चोरी करके डाल दिया, अभी देखी वीडियो। ये यादवों के बालक क्या कर रहे हैं? है? जी होगी भाई, बिल्कुल कट है, कटी कमाल कर। पर ये तो कूल है मम्मी, आजकल ऐसी करे करे। आज हाँ करे करे, देश रम बोल रही है बिल्कुल। ये तो आजकल ऐसा ही चलता है, वुमेन एम्पावरमेंट है। अभी है भाई, हमने उसको कह दो हाथों रटा दे। सारे कमेंट्स है जिसमें एक मोनोटोनस कमेंट है, ये एल्विश यादव की प्रोफाइल से कौन आया है इधर? फिर मैंने सोचा ये एल्विश यादव कौन है, उसने मेरे बारे में कुछ पोस्ट किया है, तब लोग आ रहे हैं। पोस्ट तो मुझे दिखा नहीं, या स्टोरी था मुझे नहीं पता, बट आई रिसर्च्ड एंड रियलाइज्ड ये वही लड़का है जो फीमेल कॉमेडियंस के ऊपर सेक्सिस्ट जोक्स बनाकर पेट्रियार्कल ऑडियंस को प्लीज करने की कोशिश कर रहा है। कुशा कपिला, उन्होंने तो धो धो के मारा था अपने यूट्यूब चैनल में इस लड़के को। क्या यार, यादव वाला खून तो मेरे बॉडी में भी दौड़ रहा है, फिर तुम इतने अलग से चूतिया कैसे हो? एक मैसेज मेरे पास बहुत आ रहा है कि एल्विश भाई, वो तोतली तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, तुमको गाली बक रही है, तुम कुछ नहीं कह रहे। यार बक लेन दो ना यार, है उसका मुंह है बिचारी का, बक लेन दो। पर उसके ना कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये बोल रही ना कि कुशा कपिला ने एल्विश का रोस्ट कर दिया। अरे यार, कुशा कपिला दीदी ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्यों ब्लॉक कर रखा है। और दूसरी बात ना, उसने विक्टिम कार्ड खेला है यार, रोस्ट कहते हैं उसको, है कि एल्विश तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ क्या क्या हो रखा है, ये बोल रखा उसने वीडियो में। तो अपने फैक्ट चेक करो दीदी। और दूसरी बात, मैंने ना सिर्फ स्टोरी डाली थी, तुमने ना अपनी रील्स हटा दी। अगर मैं पोस्ट डाल दूंगा ना, तुम इंस्टाग्राम हटाना पड़ जाएगा। पर मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता नहीं ना तुम जैसे चूतियां कम ना हो जाए, क्योंकि हम फिर रोस्ट किसका करेंगे। अब यार ये तो थी एक कंट्रोवर्सी, एंड बढ़ते भी अगली कंट्रोवर्सी, एंड अगली जो कंट्रोवर्सी है वो सारे इंडियंस के यहाँ पे दिमाग खराब करने वाली है। अब सीन यहाँ पे हुआ है कि यूट्यूब पे एक चैनल जिसका नाम है कैंडी फॉक्स, उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसका टाइटल है करी पुलिस, एंड उस वीडियो में यहाँ पे इंडिया की इमेज को काफी ज्यादा बुरा दिखाया जा रहा है, काफी ज्यादा अलग दिखाया जा रहा है। एंड उसी वीडियो में यहाँ पे एक और यूट्यूबर है जिनका नाम है कोहोए, एंड उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिनका नाम है नमस्ते कोहोए, एंड वो एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टाइटल है करी पुलिस लेट मी एक्सप्लेन एंड अपोलोजाइज। एंड उसमें ये बताते कि कैसे यहाँ पे इस गाने के डायरेक्टर्स भी इंडियन थे, प्रोड्यूसर्स भी इंडियन थे, एंड कैसे यहाँ पे इनको नहीं पता था कि इनके 5 सेकंड के वो अपीयरेंस से इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। इनको नहीं पता था कि इंडिया की इमेज को इस वीडियो में यहाँ पे दिखाया, मतलब गलत दिखाया जा रहा है। एंड वो वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमेशा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो पूरी जाके देख सकते हो। फिलहाल अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ उसका भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एंड वो वाली आप देख सकते हो, एंड मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या ही थे आपके ओपिनियन के ऊपर। एंड बढ़ते भी अगली स्टोरी के ऊपर, एंड जो अगली स्टोरी है बेसिकली आशीष अंचलानी एंड भुवन बाम के रिलेटेड आ रही है। अब YouTube पे एक चैनल है जिसका नाम है बेशरम आकी, एंड वो एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टाइटल है भुवन बम एंड आशीष चंचलानी प्रमोटिंग एनजीओ एक्सपोज फेक एनजीओ बेशरम आकी। एंड इसमें ये डिस्कस करते हैं कि कैसे यहाँ पे भुवन बम एंड आशीष चंचलानी फ्रॉड कर रहे हैं बेसिकली। एंड ये वाली वीडियो का एक शॉर्ट पार्ट मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको वाली पूरी वीडियो देखनी तो हमेशा रहे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। भुवन भाई के हिसाब से हेमकुंड फाउंडेशन लोगों के घरों में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, वो बहुत महंगा है। अगर हम अपना बिट करेंगे तो हम घर बैठे बैठे कितनों की मदद कर सकते हैं, थिंक अबाउट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेमकुंड फाउंडेशन लोगों की कितनी मदद कर रहा है। हेमकुंड फाउंडेशन लोगों की इतनी मदद कर रहा है कि अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है, और जो फोन लग रहा है वो फोन कोई उठा नहीं रहा है। और ये जो सारी कमेंट है वो मैंने हेमकुंड फाउंडेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज से उठाई है। हेमकुंड फाउंडेशन लोगों के घरों में जाकर मदद कर रहा है, लोगों के घरों में जाकर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि बीबी ने अपने पापा के लिए बेड और वेंटिलेटर के लिए स्टोरी में डालकर लोगों से मदद क्यों मांगी, हेमकुंड फाउंडेशन से क्यों नहीं? तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा यार, आशीष चंचलानी का तुमने उदास मुंह देखा ना, रोते हुए उनको देखा ना, उनकी शक्ल में थोड़ा आंसू देखे ना तुमने, तो जाओ जाकर और डोनेशन दो। उतना डोनेशन उनके लिए काफी नहीं है, उतना डोनेशन कम पड़ रहा है, थोड़ा और डोनेशन दो। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड मैं अपना मतलब मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, अगर पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं करनी है तो वीडियो पब्लिक अपलोड क्यों कर रहा है? आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं हेमकुंड फाउंडेशन को जानता हूँ, एंड वो लोग ग्राउंड रियलिटी पे जितना काम कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक मैंने किसी को काम करते हुए देखा है। हाँ, आशीष भैया ने अपनी आंखों से देखा हुआ है हेमकुंड फाउंडेशन को ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम करते हुए, और ग्राउंड लेवल पे उनसे अच्छा काम और कोई कर ही नहीं सकता है ना आशीष भैया,
तभी हेमकुंड फाउंडेशन फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है जो लोग दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की जगह रोक के बैठे हुए हैं हाईवे पे, और वो दिल्ली बॉर्डर ब्लॉक करने की वजह से वहाँ पर दिल्ली में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए 100 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है एम्बुलेंस को। यस गाइस, इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट से जरूर बताना। फिलहाल यही तक वीडियो, और वीडियो पसंद है तो सीरियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके चैनल इंडिया। कल मिलते हैं और नई जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय, शबा खैर।